हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। तो फ्रेंड्स, आ चुका है एक और यूके का टूरिस्ट वीज़ा 17 दिन में, 17 डेज में, और इसके पूरे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप भी यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप बाहर हो, तो आपके पास कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए अगर आप बाहर हो, अगर आप इंडिया में हो, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। तो ये वीज़ा जो आया है 17 दिन में आया है, टूरिस्ट वीज़ा है ये। ट्रैवल हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ दो कंट्री की थी, जिसमें इन्होंने एक थाईलैंड का एक टूर किया हुआ था और एक मलेशिया का। तो दो कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी इनकी, और जो फंड में इनके पास कोई 8 लाख के करीब था। बाकी इनका जो इनका एक जॉब प्रोफाइल था, ये जॉब करते हैं, और इनका सैलरी स्लिप और इनकी बैंक की स्टेटमेंट्स और इनका जो रेजिडेंट कार्ड था, एक रेजिडेंट कार्ड। फ्रेंड्स, ये रहते हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर में इनका जो है रेजिडेंट कार्ड, जिसे हम कह सकते हैं कि वर्क परमिट था, तो वो एक टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड होता है, तो वो लगाया गया था। तो उसके बाद जो है वीज़ा अप्लाई करने के 17 दिनों बाद VFS में जैसे वीज़ा अप्लाई हुआ सिंगापुर में, और 17 दिनों बाद वीज़ा इशू होके आ गया। हालांकि वीज़ा सिंगापुर में जल्दी भी इशू हो रहा था, बट वहाँ पे टाइम इसलिए लगा क्योंकि जो रेजिडेंट कार्ड जो यहाँ वर्क परमिट जो इन्होंने लगाया था, VFS में सबमिट किया था, वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गया था या फिर कहीं एम्बेसी में ही मिसप्लेस हो गया था, जिसकी वजह से जो है टाइम इतना लगा। मतलब जो है जिसकी वजह से एक मेल मुझे आई, क्योंकि मेल मेरी लगी हुई थी, तो मेल आई जिसमें इन्होंने वर्क परमिट या रेजिडेंट कार्ड दोबारा से मांगा। फिर उनको मैंने सेंड किया इनका रेजिडेंट कार्ड, और उसके बाद जो है 4 से 5 दिन के अंदर इनका वीज़ा की जो VFS की जो मेल है वो आ गई, और जब इनका पासपोर्ट आ गया तब उसमें वीज़ा जब खोल के देखा तो पैकेट जो होता है VFS वालों की तरफ से जो आता है, तो उसमें वीज़ा लगा हुआ था। तो कोई भी अगर कहीं भी जैसे इंडिया में इंडियन सिटीजन है, अगर बाहर रहता है किसी और कंट्री में रहता है, तो उसको अपना रेजिडेंट कार्ड या वर्क परमिट और उसके बाद बैंक की स्टेटमेंट्स, NOC, सैलरी स्लिप, ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत मैंडेटरी हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर लगाने चाहिए अगर आपको अच्छी कंट्रीज़ का भी वीज़ा चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, बट ये है कि ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको लगाने चाहिए। अब वीज़ा का देखो श्योरिटी नहीं होती, बट तो फिर भी आपको इंडिया की तुलना में, इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, बाहर कहीं काम करते हैं, तो वीज़ा मिलना थोड़ा सा ईजी होता है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे इंडिया में थोड़ा सा आपको पता है कि बड़ी कंट्रीज़ का वीज़ा लेना, जैसे UK ने इंडिया में काफ़ी वीज़े दिए हैं इंडियन सिटीजन को, और जो है इंडिया में अगर आप वीज़ा अप्लाई करो तो इस समय थोड़ा सा UK का वीज़ा हार्ड हो चुका है, बट आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। कोई फेक डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस समय एम्बेसी जो है ये भी चेक कर रही है कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगाया। इवन वो बैंक में, अगर बैंक की स्टेटमेंट आपने दी है तो वो फेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैंक तक में कॉल करके पूछा जा रहा है कि इस बंदे की बैंक की स्टेटमेंट जो उनके पास आई है, तो वो बैंक वालों को कॉल करके कंफर्म कर रहे हैं और बैंक की स्टेटमेंट उनसे मंगवा रहे हैं। तो इस चीज़ों को, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इंडिया में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पता ही है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस प्रूफ, बैंक की स्टेटमेंट्स, ITR, और बाकी के जो रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगा सकते हो। होटल वगैरह, वैसे होटल वगैरह भी मैंडेटरी नहीं है, डेमी टिकट भी मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो फ्रेंड, बाकी इस बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर काफ़ी मैटर करता है, बैंक की स्टेटमेंट आपकी बढ़िया सॉलिड होनी चाहिए, और कुछ भी मतलब उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट या लार्ज अमाउंट को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। और आपका जो बिज़नेस का प्रूफ है वो भी, अगर आप जैसे कि आपके MSME अगर आप लगाते हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन डेट कुछ है और आपने दिखाया कि जो आपकी उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट है, यानी कि जो आपके जो कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस है, मतलब जो बिज़नेस की शुरुआत की है आपने, वो कोई और डेट है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। कई बार उसकी रिफ्यूज़ल भी UK की तरफ से देखने को मिली है पीछे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो बाहर रहते हैं तो मैंने उनके बताए डॉक्यूमेंट्स, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपको किसी तरीके की मेरे से हेल्प चाहिए या आपको मेरे से बात करनी, तो मेरी Insta ID पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, FreeTravel11 है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।